लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये बिल्कुल नहीं मानता। देख शराफत से बता तेरे साथ कौन कौन था, चोरी किसने की? इंस्पेक्टर साहब मां की कसम मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो पिक्चर देख के आ रहा था, आपने काम को मुझे धर लिया। तू बेटा यूं नहीं मानेगा, तेरा कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। हेलो मिस्टर कुमार। हेलो प्रेम, कैसे? अच्छा हूं यार। आओ बैठे ना। आज इधर कैसे यार, यूं ही राउंड पे निकला था, सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। थैंक यू। सुनाओ क्या चल रहा है? यार इस बाइकला वाले केस ने बहुत परेशान कर रखा है। हाँ? अभी तक कुछ पता नहीं चला? 3 दिन की मेहनत के बाद ये अब्दुल नाम का आदमी पकड़ा है, इसमें भी कोई दम नहीं। साहब बंद कर दो इसे। हाँ कर दो बंद। ठहरो। क्या नाम बताया इसका? अब्दुल। अब्दुल? हाँ। क्या नाम है बेटा? अब्दुल। क्या? अब्दुल डिसूजा, बॉय डिसूजा। पीले हाउस के ईरानी होटल पे तू काम नहीं करता था? तूने सेठ के पास चोरी की और उसने तुझे माफ कर दिया। तू समझता है शायद नकली बाल लगा के तू पुलिस को धोखा देगा? सच सच बता, तूने चोरी की है नहीं? और तेरे साथ कौन था? शिरके। शिरके? शिरके कौन सा? वो चूना भट्टी वाला? जी ले जा इसे। शिरके गली नंबर 13 मकान नंबर 10। मान गए कुमार साहब, मान गए। किसी को एक बार देख लेते हो तो जिंदगी भर नहीं भूलती। आज की रात तुम्हारी मेहरबानी से आराम से सो। भाई गौर 3 रात से बिल्कुल नहीं सोया। मैं यार अगर पुलिस वाले भी सोने लगे तो बेचारी जनता का क्या होगा? ओके ब्रदर, मैं चलता हूं। थैंक यू वेरी मच। ओके गुड नाइट। Thank you.
जांबू, लगता है मेरी टांग टूट गई है। ऐसा कब तक चलेगा बाबा? जब तक पैसा न मिल जाए। ऐसे पैसे का क्या करना जिसको हासिल करने के लिए इंसान का दम घुट जाए। फिर वही बात, मैंने तुम्हें सड़क से उठाया, पढ़ाया, तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, उसमें मेरा दम नहीं घुटा। चलो भाई। जाबू, मुझे सहारा दो, सहारा दो। बाबा, आज मेरे हाथ खुले हैं, तुम्हें सहारा दे सकते हैं, लेकिन कल अगर ये हाथ बन गए तो।
चुराने। वाह वाह माला देवी, क्या कमर बजती है आपकी। वाह जी हाँ। कमर नहीं बजती, घुंघरू बजते हैं। तुम चुप रहो, मुझे मालूम है यहाँ का मालिक मैं हूँ या तुम। मालिक आप मैनेजर हैं और ये आपकी माँ। क्या कहा? माला, आप सेठ जी इनका इतना ख्याल रखते हैं। क्या ख्याल रखते हैं, कई बार कह चुकी हूँ जमाना बदल गया है, कोई नई चीज पेश करो। बार बार वही गाना गा गा कर तो मैं बोर हो गई। मेरे जिंदा होते तुम क्यों बोर होने लगी। मैंने तो पहले ही पूना के एक बड़े लेखक को बुला लिया, अभी वो आता ही होगा। मैंने उसे लाने के लिए स्टेशन पर गाड़ी भेजी है, अभी थोड़ी देर में तुम्हारे चरणों में आ पहुंचेगा। सेठ जी उसका नाम क्या है? दीपक। सेठ जी लो वो आ गए। कितनी उम्र है, बुलाओ ने। वो तो नहीं आए सेठ जी। नहीं आए? अच्छी तरह देखा तो था। आ, सब जगह देखा था। हाँ देखा था। अच्छा जाओ। वाह सेठ जी, आ चुके आपके नए लेखक। घबराइए नहीं, कल तक दीपक क्या उसका बाप भी आ जाएगा। सेठ जी उसका बाप भी
लेखक है। चुप रहो, गधा कहीं का। आपका बच्चा हूँ सेठ जी। मालूम है क्या कहा? माफ कीजिए। बाय माला, बाय। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। हाँ। इनको जाने दीजिए ना, इन्होंने बस जल्दी भी आना है। आइए। अच्छा, अच्छा रात को आराम से सोना। आइए आइए। जी मैं दीपक। दीपक कौन? लेखक? जी हाँ जी हाँ। हो, मैं तो समझी थी कि कोई चोर घुसा है। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। सेठ जी अभी भी आपका इंतजार करके गए हैं। उन्होंने स्टेशन पे आपके लिए गाड़ी भी भेजी थी, लेकिन शायद ड्राइवर आपको नहीं पहचान सका। हाँ, पहचानता भी कैसे। मेरा हुलिया कुछ ऐसा है, दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं ना, इसलिए मैंने। बैठिए जी, आइए ना। बैठिए ना। मैं माला हूँ। हाजी, आपको कौन नहीं जानता। आप तो लाखों दिलों की मलिका है। आपकी खूबसूरती और कला का तो हर घर में चर्चा है। शुक्रिया। आप पुणे में कहाँ रहते हैं? जी हाजी, हम कलाकारों का क्या ठिकाना, जहाँ रात हुई वहीं आशियाना। सेठ जी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे आप बहुत अच्छे लेखक हैं। अच्छा बताइए, आपने हमारे थिएटर के लिए क्या लिखा? जी बताइए ना, कौन सी नई चीज लिख रहे हैं आप? जी मैं लिख रहा हूं चांद और चोर। चांद और चोर? जी हाँ। एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? जी नहीं, कहिए। ये आप लोगों को चोरों और बदमाशों की ये कहानी क्यों सोचती है? क्या जिंदगी में कभी आपको कोई अच्छा इंसान नजर नहीं आता? चोर और बदमाश कोई माँ के पेट से तो नहीं पैदा होते। हो सकता है हालात ने उन्हें ऐसा बना दिया हो। हालात? माफ कीजिएगा दीपक बाबू, वो इंसान ही क्या जो हालात से दबकर बुरा बन जाए। अच्छा इंसान तो वही होता है जो बुरे हालात में रहकर भी अच्छा रहे। माफ कीजिएगा, मैंने अपने दिल की बात कही थी, आपको बुरा तो नहीं लगा? जी नहीं, आपने ठीक ही कहा। असली इंसान तो वो है जो हालात से लड़कर भी अच्छा रहे। मैं अपने ड्रामे में इस बात का ध्यान रखूंगा। बहुत देर हो गई, चले? जी। आप कहाँ जाएंगे? जी यही मैं भी सोच रहा था। आज रात आप यही रह जाइए, ऊपर मेहमानों के लिए कमरा है, सुबह सेठ जी से मिल लीजिएगा। मैं चपरासी को बुलाती हूँ। देखो गौरव, यह हमारे थिएटर के नए लेखक हैं, दीपक बाबू। इनके लिए ऊपर का कमरा खोल दो। अच्छा। और देखो इन्हें किसी बात की तकलीफ ना हो। अच्छा, अच्छा? नमस्ते। नमस्ते। चलिए
रखो। अरे भाई बहुत बदल गए, दिल्ली में जब देखा था बहुत मोटे थे और बाल भी लंबे रख लिए। सेठ जी ये आजकल का नया फैशन है। मालूम है, तुम चुप रहो। सेठ जी यहाँ खड़े खड़े कब तक बातें करेंगे, चलिए दफ्तर में चले। बिल्कुल ठीक है, चलो चलो। अच्छा तो सेठ जी फिर मैं चलता। दीपक बाबू कोई ऐसा नाटक लिखिए, ऐसा नाटक लिखिए कि हमारी माला देवी खुश हो जाए, उनकी खुशी में तो ही हमारी खुशी है। जरूर लिखवाते हैं। पोस्टमैन कोई अच्छी सी चीज लिखिए। क्या लिखेंगे जी? क्या है कि मैं आपकी चिट्ठी। जी जी मुझे चिट्ठी लिखने वाला कौन? आपको लिखने वाला कोई नहीं, लेकिन आप तो किसी को लिख सकते हैं। जी क्या मैं पढ़ सकती हूँ? जी सेठ जी मुझे अफसोस है, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई इसलिए हाजिर नहीं हो सका। उम्मीद है आप मुझे माफ करेंगे, ठीक होते ही मैं आपकी खिदमत में पहुंच जाऊंगा। आपका दीपक, 21 क्लब रोड, पूना। देखो मैंने आपसे कहा नहीं था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैं नहीं आ सकूंगा, लेकिन फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि आप लोगों ने मुझे इतने प्यार से बुलाया है, किसी हालत में मुझे यहाँ पहुंचना ही चाहिए, इसलिए मैंने। सेठ जी आजकल वैसे आदमी पहले पहुंच जाता है, चिट्ठी बाद में पहुंचती। कुछ गलत बोल गया सेठ जी। सेठ हरनाम दास के घर में डाका, लाखों के जेवर चोरी हो गए। लीजिए सेठ जी, सेठ हरनाम दास के घर में डाका। इस पर लिखिए दीपक बाबू, आजकल के जमाने में बहुत चोर हो गए हैं, इस पर लिखिए। जी अच्छा जरूर लिखूंगा, जरूर लिखूंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ सेठ जी। अच्छा आप उधर क्या देख रही है, जाइए जाके रिहर्सल की तैयारी कीजिए। अच्छा सर जी। हाँ। हेलो नमस्ते सेठानी जी। अरे सेठ जी सेठानी जी पूछ रही हैं आप गद्दी पर कब जाएंगे? अरे बेवकूफ गधी पर नहीं गद्दी पर, कदम निकल गए। कहां से सेठ जी? यहां से और कहां से। सेठानी जी सेठ जी तो गद्दी पर निकल गए हैं जी। नमस्ते। मिशमाला का क्या हुआ, 2.5 लाख रुपए थिएटर में लग चुके, अभी भी उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। अगर मेरा काम नहीं बना तो थिएटर में ताला लगा दूंगा। नहीं सेठ जी घबराइए नहीं, जब आपके गले में आपकी क्या माला की बाहें होंगी तब आप मेरा हाथ समझेंगे। माला की बाहें, चलो 50 रुपए की तरक्की कर दी तुम्हारी। थैंक यू वेरी मच। यहाँ कौन आया था? कल रात दीपक बाबू यहाँ आए थे, उनकी होगी। अरे क्या लग रही हो, अरे मैं मर जाऊं। अरे ये क्या कर रहे हो? तरक्की कर रहा हूँ, आज मेरी सेठ जी ने 50 रुपए तरक्की की है ना, इसलिए मैं जरा मोहब्बत में तरक्की कर रहा हूँ। अरे छोड़ो, सेठ क्या तरक्की करेगा, 5 साल से देख रही हूँ, एक दिन 50 बढ़ाता है तो दूसरे दिन 50 कम करता है, 300 से बढ़ता ही नहीं। कमला मुझे हाथ मत लगा। मैं क्या करूँ कमला, ना ये माला सेठ जी की तरफ प्यार से देखती है और ना हमारा चक्कर चलता है। शर्म नहीं आती, एक मासूम लड़की को इस लालची ढोल के पल्ले बांधते हो, कैसे आदमी हो तुम? मैं कहाँ बांध रहा हूँ, ये तुम मोटा ही उसके पीछे लगा हुआ है, मैं तो सिर्फ उसे आ रहा हूँ मेरी जान। अरे इधर क्या कर रहे हो? सेठ जी क्या लंबी उम्र है आपकी, मैं अभी अभी आपकी
तारीफ कर रहा था। इधर नहीं उधर जाके करो, जाओ। सेठ जी अभी दरवाजा बंद है, बाद में। लो जी ये पनामा। हाँ जी पनामा लीजिए। सुनो भाई जी, ये साथ वाली दुकान बंद क्यों है? पकड़ा गया, चोरी का माल लेता था। ए बाबूजी, ए मैं कितनी बार मना किया, फिर तुम इधर खड़े हो, चलो उधर। तुम्हारा टांग टूटा हुआ है, कभी इधर खड़ा रहता कभी इधर खड़ा रहता। आज डॉक्टर आएगा तुम्हारा टांग ऊपर बांधेगा। दरवाजा बंद करो। ये काम नहीं करूंगा। बस आखिरी बार, पिछली बार भी तुमने यही कहा था, बस सिर्फ एक बार और कर दो। नहीं, मैंने तय कर लिया है, अब मैं एक शरीफ आदमी बनूंगा। शरीफ आदमी? शरीफ? कैसा शरीफ? उस वकील की तरह जो दिन रात झूठे मुकदमे लड़ता है, उस डॉक्टर की तरह जो गरीबों को छोड़कर अमीरों का इलाज करता है, उस साहूकार की तरह जो जंग और अकाल की दुआएं मांगता है। चामू, ऐसा नहीं करोगे तो भूखों मरोगे। सुनो, इस हमाम में सभी नंगे हैं, तुम कपड़े पहनकर क्यों बदनाम होते हो? कुछ भी हो, मैं ये काम अब बिल्कुल नहीं करूंगा। समझ गया, भूल गए तुम एक नाली के गंदे कीड़े थे, मैं तुम्हें उठा कर लाया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया ताकि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनो। आज मेरी टांग टूट गई, मैं अपाहिज हो गया, तो तुमने भी आंखें घुमा ली, कमीने। बोल बोल, क्या यही है मेरे एहसानों का बदला? बोल बोल। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। फिर काय को दरवाजा बंद किया? डॉक्टर साहब, ये आदमी यहां चार महीने से हमको बहुत तंग करता है। लेट जाओ, लेट जाओ। Thank you.
कहने को बीमार था मगर था बड़ा खतरनाक चोर। लोग हॉस्पिटल को चंदा देते हैं और यह हॉस्पिटल का ही माल हजम करना चाहता था। ले जाओ एम्बुलेंस में। बड़ा ही नीच था। अच्छा हुआ मर गया। अरे भाई चोर का आखिरी यही हशर होता है। माला का कमाल नाचती गाती दीवाना बनाती माला रूपकला थिएटर में। कहाँ जा रहे हो शामू? वहां तो लेखक दीपक पहुंच चुका होगा, शायद ना भी पहुंचा हो। खुद जाके क्यों ना देख लो, पुलिस की नजरों से भी दूर रहूंगा। दीपक पूना 21 क्लब रोड। जी मैं आपका एक चाहने वाला हूं, आपके नाटक पढ़ा करता था। बहुत देर कर दी, अब तो ये नाटक हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। आपका यहां और कोई नहीं? कोई नहीं। जिंदगी की इस लंबी अंधेरी रात में दीपक अकेला ही जला है। पानी 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 पानी। शामू, इसकी सूरत तुमसे कितनी मिलती है? इसका दुनिया में कोई नहीं, तुम्हारा भी कोई नहीं। इसका मतलब है अगर तुम इसको खत्म कर दो तो दुनिया समझेगी शामू चोर मर गया। फिर तुम दीपक बनकर हमेशा के लिए माला को पा सकते हो। खून मेरा ऐसा मौका कभी ना मिलेगा। एक बेबस की जिंदगी से मत खेलो, लेकिन तुम्हें भी तो जिंदगी चाहिए। जिंदगी और किसी की मौत से नहीं शामू। बढ़ो शामू। नहीं शामू, बढ़ो शामू। नहीं 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 नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अजनबी दोस्त, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूल।
मुझे अफसोस है मैं आपके आदमी को नहीं बचा सका मिस्टर दीपक। डॉक्टर साहब, दरअसल मैं एक अजीब उलझन में फंस गया हूँ। क्यों, क्या बात? आज जब मैं बंबई से यहाँ आया तो ये आदमी मेरा पीछा करते करते मेरे घर पे आके गिर पड़ा। इसका बदन बुखार से तप रहा था डॉक्टर साहब, और इसकी हालत बड़ी नाजुक थी। मेरे पूछने पर इसने साफ साफ बताया कि ये शामू चोर है। अब आप तो जानते हैं कि हम कलाकार कितने नरम दिल होते हैं। पुलिस को बुलाने के बजाय मैंने आपको बुला लिया, और अब ये बेचारा, इसके पास सारा चोरी का माल है डॉक्टर साहब। आइए आइए, ये देखिए, चोरी का माल। आई सी, घबराने की कोई बात नहीं, हम पुलिस को बुलाकर यह माल वापस किए देते हैं, और मैं आपको शामू चोर का डेथ सर्टिफिकेट दे देता हूं। आज की दावा खबर, एक लेखक घर में मशहूर चोर शामू की मौत, बंबई के सेठ रामदास की चोरी का सारा माल ले गया। लेखक दीपक की ईमानदारी, आज की ताजा खबर, एक लेखक के घर में मशहूर चोर शामू की मौत, दीपक की ईमानदारी, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, एक लेखक के घर में मशहूर चोर शामू की मौत। दीपक बाबू, दीपक बाबू। अरे आप, अब आप लेखक लगते हैं। आप यहाँ कैसे? जी अभी भी पुणे से आ रहा हूँ। ये मेरी माता जी है, ये भी इसी गाड़ी से आई है। जी मेरी मौसी की लड़की है, ये हमारे थिएटर के नए लेखक हैं, दीपक बाबू। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। कहाँ जाएंगे? थिएटर में जाऊंगा। थिएटर तो आज बंद है। अच्छा तो फिर किसी होटल में ठहर जाता हूँ। आप हमारे साथ चलिए, आपकी एक अमानत भी मुझे देनी है। अमानत? कैसी अमानत? आप चलिए फिर बताऊंगी। ड्राइवर साहब का सामान अंदर रख दो। ठीक हो ना बाबा? हाँ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करें। चलो ध्यान से जाना। भगवान तुम्हारा भला करें बेटा, भगवान तुम्हारा भला। शाबाश बेटा, तुमने उस बेचारे की जान बचा दी। माँ जी ये इतने लंबे है ना, इसलिए दोए को दम में वहां पहुंच गए। चुप, चले चलो, चलो आओ बेटा, आओ कभी बैठो, चलो। मासी जी कितना अच्छा घर है। कौन है वो खुशनसीब जिसके लिए आपने इतनी खूबसूरत चीज बनवाई है? जी ये देखिए, जहां मुझे पहली बार मिले थे मेकअप रूम में, वहीं से भूल आए थे, याद नहीं? जी जी लीजिए। मुझे तो तरस आता है उस बेचारी पर, आज उसके लिए बनाई हुई चीज भूल गए, कल से भूल जाएंगे। जी ऐसी बात नहीं है, ये अंगूठी मैंने किसी के लिए नहीं बनवाई, ये तो मेरी पुराने वक्तों की निशानी है। ओह, आपकी खानदानी अंगूठी है? ऐसा ही समझ लीजिए। कितनी अच्छी अंगूठी है दीदी, तुम्हारे लिए बनवाई है। चल तू अपना काम कर। अच्छा तो मैं चलता हूँ। क्यों बेटा, ऐसा लगता हम लोग तुम्हें अच्छे नहीं लगे। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? तो फिर क्यों जा रहे हो? एक ही दिन की तो बात है, हमारे पास ऊपर एक अलग कमरा भी है, थिएटर खुलेगा तो चले जाना। खाम खाब को तकलीफ होगी माँ जी। माँ जी भी कहते हैं और तकलीफ भी। कविता जी, चलो इनका बैग ऊपर लेके आओ। अभी चलो बेटा ऊपर चले, चलो आइए, आओ आओ। ये भी कहाँ जाने वाले थे, ये तो यहीं टिकने वाले थे। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मेरे घर में माँ जी एक पलंग है, एक पुरानी अलमारी और एक तीन टांग की कुर्सी। कविता पर्दे को ना दीदी, ये भी कैसे कह रहा है जैसे पलंग कुर्सी इनके रिश्तेदार हो। चुप रहो कविता, मेरा मतलब था तुम्हारे माता पिता। माँ बाप नहीं है माँ जी, मैं जब छोटा सा था
तभी उनका साया मेरे सर से उठ गया था। समझ गई। मेरी माला भी जब 2 बरस की थी तो इसके पिता भी हमें दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए, और ये कविता, ये मेरी बहन की लड़की है, इसके माँ बाप इसे बचपन में छोड़कर चले गए। इसे अपने साथ ले आई हूँ, सोचती हूँ कोई शरीफ आदमी मिले तो इसके हाथ पीले कर दूं। आप बहुत अच्छी हैं माँ जी, ये लोग तो आपके घर के हैं, लेकिन मैं आपको क्या लगता हूँ, फिर भी आपका प्यार और आपकी ममता देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ मुझे मिल गई है। चलो बेटे हाथ धो। माला, न जाने मैंने पिछले जन्म में कौन से कर्म किए थे जो आप जैसी देवी से मुलाकात हो गई। भगवान ने आपको क्या रूप दिया है, क्या दिल दिया है, काश आप जानती कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, कितनी पूजा करता हूं आपकी। क्या मैं आपको कभी पा सकूंगा? क्या मैं अंदर आ सकती हूं? दीपक बाबू, आप किससे बातें कर रहे थे? एक देवी पर श्रद्धा के फूल चढ़ा रहा था। फूल? मुझे तो कोई फूल नजर नहीं आते। नजर आने वाले फूल तो मुरझा जाते हैं माला जी, लेकिन आत्मा की डाली पर खिले हुए प्यार के फूल कभी नहीं मुरझाते। वाह 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 कविराज जी, आप कोई नई कविता लिख रहे हैं क्या? आप इसे कविता ही समझ लीजिए। बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, सिर्फ ये कहने के लिए आई हूँ कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो शर्माइएगा नहीं, साफ साफ कह दीजिएगा, जरूर मिल जाएगी। ये आप कह रहे हैं? जी मैं। आप बहुत भोले हैं, बिल्कुल बुद्धू। और हाँ, आइंदा किसी की तस्वीर से बात करनी हो तो आसपास जरूर देख लीजिए, कहीं कोई सुन तो नहीं रहा। जी माफ कीजिएगा, मैं गलत घर पे आ गया। घर तो यही है लेकिन ये हाथी का बच्चा कहां से आ गया? हैं? फिर आ गए तुम? कौन हो, किसको चाहते हो? मैं माला देवी को चाहता हूं। माला दीदी को चाहते हो? थोबड़ा देखा है? ठीक नहीं क्या? अभी ठीक कर। बचाओ बचाओ। ये क्या कर रही हो? माँ जी, ये लफंगा माला दीदी को चाहता है, मैं इसकी गर्दन दबा दूंगी। पागल हो गए क्या? ये तो अपने थिएटर के मैनेजर है प्रीतम बाबू, बहुत शरीफ आदमी है। चलो आओ बेटा अंदर। शरीफ आदमी, हाय मैं मर गई। बेटा इसका बुरा नहीं मानना, ये बहुत भोली है। तुम बैठो, माला भी आती है। माफ करना, आपको लगी तो नहीं, दबा दूं? अब आना नहीं। जी दबाऊंगी तो आराम आ जाएगा। जिंदगी भर के लिए? घबराइए नहीं, मैं अपनी माँ को दबाया करती थी, वो अच्छी हो जाती थी। माँ? हाँ। किधर है तुम्हारी माँ? मर गई। ओ, तो मेरा अत्ता क्यों काट रहे हैं? आप बड़े भोले हैं। ना दीदी, दीदी। प्रीतम बाबू आ गए आप? आज तो आ गया, अगर 2-4 दफे और ऐसे आया तो आने के लायक नहीं रहूंगा। क्या मतलब? माला देवी, ये जो आपके घर में दुबली सी अन्नी मुन्नी बच्ची आई है, ये कौन है? प्रीतम बाबू मजाक मत करो, वो मेरी मासी की लड़की है, कल ही आई है। सर्कस से? प्रीतम। अच्छी बात, चलिए। थोड़ी देर ठहर जाओ, दीपक बाबू आ जाए। कौन दीपक? वही
हमारे नए लेखक? लेखक? कल थिएटर में, आज घर में, काफी आलू आदमी लगता है। सेठ जी को पता चला तो अत्ता ही काट देंगे। नमस्ते दीपक बाबू, आज आप लेखक लगते हैं। मान गए साहब, लेखक हो तो आप ज्यादा तेज। एक दिन थिएटर में आए, दूसरे दिन सीधे हिरन के घर में रिहर्सल करा रहे थे। कल ही हमें इत्तेफाक से स्टेशन पर मिल गए थे, थिएटर बंद था इसलिए हमने घर लिया। समझ गया, चलिए। सब होटलों में हड़ताल जो चल रही थी। आइए आइए आइए। नमस्ते। अब आए हैं आप, तब थिएटर चल चुका। ये क्या चीज है? आपने इन्हें नहीं पहचाना? अपने नए लेखक दीपक बाबू। तो आप क्या कहे? रात ही हमारे घर ही ठहरी थी। निशान देवी के घर में कैसे घुस गया? निकालो इसे, नहीं चाहिए ऐसा लेखक। अगर ये टिकट लेके भी हमारे थिएटर में आए तो गोरखा से कह दो, गेट कीपर से कह दो, ये अंदर नहीं आने पाए। सेठ जी आप गुस्सा मत कीजिए, ये पागल तो कल आला देवी की माँ को स्टेशन पर मिल गया था, वो उसे अपने घर ले गई, थिएटर बंद था। माला की माँ? माला की माँ आ गई है? हाँ। तो ये लोग अकेले नहीं थे? जी नहीं सेठ जी, मेरे होते ऐसा कभी हो सकता है? और सेठ जी कहाँ आप और कहाँ वो? इधर आपकी ये सेहत, आपका थल थल करता कोमल सा चंदन का बदन, वो तो आपके सामने मच्छर है मच्छर। सेठ जी तुम ठीक कहते हो। अंदर आ चलिए। बैठिए ना माला देवी, दीपक बाबू बैठिए। नाटक ले आए? जी हाँ सेठ जी, सब ले आया हूँ। अब जरा रहने का इंतजाम हो जाए तो। अरे वो तो हो ही गया प्रीतम, वो मुंशी जी वाला मकान इन्हें दे दो। मुंशी जी वाला? हाँ। जी हाँ। दीपक, अब तुम्हारे हाथ का लिखा हुआ कोई भी निशान बाकी नहीं रहा। ये आप क्या चला रहे हैं? किसी शरीफ इंसान की जिंदगी भर की पूंजी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। ये समझ लीजिए, कोई प्यार का मारा दीपक को जला रहा है। प्यार का मारा किसी को जलाता नहीं, वो तो खुद जलता है। सेठ जी ने जो आपको ये जगह दी है, आपके लायक नहीं है। बहुत ही कंजूस है, दौलत के आगे उन्हें कोई चीज प्यारी नहीं। एक बात पूछूं, आपकी जिंदगी में सबसे प्यारी चीज कौन सी है? जानता हूं लेकिन कह नहीं सकता। मैं जानती भी हूं और लाई भी हूं। जी? पेन, एक लेखक और कवि के लिए इससे ज्यादा प्यारी चीज और क्या होगी? काश कि आप जानती कि मैं क्या हूं और मेरे लिए सबसे प्यारी चीज कौन सी है। मैं सब जानती हूं। आपने मुझे क्या कुछ नहीं दिया और मेरे पास आपको देने के लिए। माला, ऐसा लगता है मेरे पुराने वक्तों की निशानी शायद मेरे पास इसलिए रह गई है कि जब कोई दुनिया भर की खुशियों से मेरी झोली भर रहा हो तो मेरे गरीबी के खाली हाथ शर्मा न जाए। लीजिए, इसे स्वीकार करके एक भटके हुए प्यासे राही को अपने प्यार का अमृत पिलाकर अमर कर दीजिए।
मैडम गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर दीपक। मुबारक हो मिस्टर दीपक, आज मजा आ गया। वाकई आप बहुत बड़े लेखक हैं। ओ योर ऑटोग्राफ। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर साहब, मैं इस थिएटर का मैनेजर हूं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, फिर मिलेंगे। गुड नाइट ड्राइवर, गाड़ी निकालो। गाड़ी रोको ड्राइवर। ये लो ड्राइवर, अब तुम जाओ, कल सुबह घर आ जाना। आपको गाड़ी चलानी आती है? जी जी हाँ। तो चलाइए ना। हम कितने खुश नसीब हैं। लोग कहते हैं प्यार करने वालों को कभी खुशी नहीं मिलती, सब झूठ। हमारे पास क्या नहीं है, दौलत शोहरत इज्जत, कुछ ही दिनों में हम एक हो जाएंगे।
और हमारा घर होगा। कुछ ही दिनों में तुम पकड़े जाओगे, इंस्पेक्टर तुम्हारे पीछे है, इसे सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, सारा राज खुल जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा चक्कर आ गया था। आपका बदन तो तप रहा है, चलो घर चले। अच्छा मैं चलता हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज आप यहीं रह जाएंगे। माँ देखो ना, इनकी तबीयत ठीक नहीं है और ये जाने के लिए कह रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं फिर घर क्यों जा रहे हो? वहाँ तुम्हारी कौन देखभाल करेगा बेटा? माँ जी क्या है वो? बेटा चलो आओ मेरे साथ। श्यामू, जब इनको पता चलेगा कि तुम वो नहीं जो ये समझते हैं, तो इन सीधे साधे लोगों के दिलों को कितनी ठेस पहुंचेगी। इंसानियत पर से इनका विश्वास उठ जाएगा श्यामू। इनको धोखा मत दो, उठो और इन्हें साफ साफ कह दो कि तुम कौन हो। उठो श्यामू, श्यामू उठो, उठो। दीपक बाबू, ऐसी क्या खास बात है, इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों लाए हो? माला, एक बात जो मुझे तुमसे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी, उसे कहने के लिए मैं आज तुम्हें यहाँ लाया। शायद आज भी मैं तुमसे ये ना कहता, लेकिन तुम लोगों के प्यार मोहब्बत और माँ की ममता ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम लोगों को और धोखे में ना रखूं। धोखा? ये आप क्या कह रहे हैं? माला, जिसे तुम दीपक समझ रही हो वो दीपक नहीं है, वो दीपक की मौत का फायदा उठाने वाला श्यामू चोर है। मैं श्यामू चोर हूं माला। चोर? इतना बड़ा धोखा? तुम्हारे प्यार को पाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया माला। छोड़ो, मुझे अपने कंधे हाथ मत लगाओ। मुझे इस तरह मत पकड़ो माला, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। छोड़ दो मुझे माला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। ऐसे मत करो। नहीं। आप अभी तक सोए नहीं? अब नींद नहीं आ रही। और आप? मुझे भी नींद नहीं आ रही। अब आपकी तबीयत कैसी है? जी ठीक है, जरा सर में दर्द है। ठहरिए, मैं बाम लेकर आती हूँ। जी देखिए सुनिए, लाइए मैं लगा लेता हूँ। सुना नहीं, दवा औरतों के हाथ से ज्यादा असर करती है। चलो यहाँ बैठिए, बैठिए ना। फर्ज कीजिए माला जी, अगर कल आपको मालूम पड़े कि जो आप मुझे समझ रही हैं मैं वो नहीं हूं, आप क्या सोचेंगे? मैं जानती हूं कि आप कौन हैं। कौन हूं मैं? चोर। चोर? हाँ, मेरे दिल के। ये क्या? अमला, अरे बगैर चिंता नहीं जा सकता। जब से हाला और दीपक को गले लग गए, देखा है ना, तब से मेरा दिल कबूतर की तरह अड़की खा रहा है। जानती हूँ कैसे गले लगे थे? कैसे? ऐसे ऐसे। आ जाएंगे आज वो ओटूमल, ओटूमल नहीं आएगा, आज उसकी सेदानी का जन्मदिन है। और कोई आ गया तो? और ऐसे आएगा, मैंने सबको
पेट बुलाया है। आओ आओ इधर इधर आए। शादी से पहले ही पाप है। शादी ठीक कहा, चलो अभी शादी करेंगे, चलो अभी अब मेरे साथ चलो। 300 रुपए तनख्वाह और शादी। मैं क्या करूं अमला, ये 50 रुपए बढ़ाता है और 50 रुपए कम करता है, खुद तो शादी के बाद भी चक्कर चलाता है और मुझको हमारा ही मारना चाहता है। कभी कभी तो जी चाहता है इस मोटे के पेट पर खड़ा होकर शिव थांडव नाचूं, तो उसको पता चलेगा कि प्यार के मारे गरीब का दिल दुखाने से क्या नतीजा होता है। ऐसा अमीना, ऐसा कंजूस मैंने कभी नहीं देखा। अमला उस तौल में कितनी गोलियां होती हैं? 6। मुझे 6 ही ला दो। क्यों? 6 से कम में इस पहाड़ का कुछ नहीं होने वाला, जानती हो उसको ऐसे मारूंगा। अरे उठो, उठो, मुझे छेड़े गोलियां मारता है, मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरी तनख्वाह, आज से तेरी छुट्टी और उस लड़की की भी छुट्टी, निकल जा, आइए चचाओ। अरे क्या हुआ सेठ जी? ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ, ये नमक हराम मुझे गालियां दे रहा था, मेरे पेट पर तांडव नाच नाच रहा था, मुझे 6-6 गोलियों छिड़ा रहा था। गोलियां? हाँ। ओहो सेठ जी, आप भी कितने भोले हैं। अरे ये तो मेरे नए नाटक गरीब और सेठ की रिहर्सल कर रहे थे। हाँ? आप बोलते क्यों नहीं जी, हाँ मखा एक देवता का आप दिल दुखा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ सेठ जी। हाँ? मैंने इनसे कहा कि आप नाटक का रिहर्सल कीजिए। हाँ? देखिए कि कैसे लगता है, उसके बाद सेठ जी को बताएंगे। हाँ? ये तो अगर ये बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे क्या मालूम था कि ये आ जाने वाले हैं। ये नाटक मुझे पसंद नहीं, कुछ और लिखिए। माला कहाँ है? शायद वो रिहर्सल की तैयारी कर रही है। ओ अच्छा, ये नाटक मुझे पसंद नहीं। दीपक बाबू थैंक यू वेरी मच, आज आपने मुझे बचा लिया। छोकरी तो मिल नहीं रही थी, आज नौकरी भी जा रही थी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं इस काबिल तो नहीं, लेकिन जब भी आपको कभी गरीब की जरूरत पड़े तो ये जान हाजिर है। थैंक यू वेरी मच। वैसे आपका काम कैसा चल रहा है? ये है उसका लिखा हुआ ड्रामा और ये है उसके ऑटोग्राफ। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये लिखाई एक ही आदमी की है। मिस्टर कुमार, मेरे ख्याल में आपका इस केस पे खामखा वक्त जाया हो रहा है, रियली इसमें कोई दम नहीं। लेट अस सी। आप छोड़िए ना, कोई देख लेगा तो। कोई नहीं है, सिर्फ प्रीतम बाबू। आप बहुत अच्छा बजा रही थी, बजाइए ना। आपको बजाना आता है? सीखेंगे? मिस्टर दीपक, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप जैसा कलाकार ऐसी घटिया जगह पर होगा। आप कौन है? अच्छा तो अब मैं कौन हो गई? वो वक्त भूल गए जब हर खत में मुझे लिखा करते थे कि तुम जैसी हसीन, समझदार, प्यारी प्यारी लड़की मैंने दुनिया भर में नहीं देखी। मैं आपकी रजनी। ओ रजनी, आइए। दीपक, कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में। आप चलेंगे? जी नहीं, आपको आइए, आपको वो जगह ज्यादा सूट करेगी। चलिए
हाला दीदी, ये क्या चीज थी? मेरा यार कहीं डबलिंग तो नहीं आ रहा? यस सर। दो कोकोला। नहीं, मिल्क शेक लाओ। अच्छा रजनी देवी, आपने क्या मेरे सारे खत संभाल के रखे हुए? और क्या, आपको लिखा नहीं था, भूल गए क्या? याद है, याद है। मेरी समझ में नहीं आता आपको कौन सी चीज इस घटिया थिएटर में ले आई। आपने तो लिखा था दुनिया भर की दौलत के लिए भी आप अपनी कला नहीं बेचेंगे। क्या है रजनी देवी, आखिरकार इंसान को जीने के लिए रुपयों की भी जरूरत पड़ती है। रुपए? मुझसे कहिए कितना रुपया चाहिए आपको, लाखों रुपए आपके कदमों पर निछावर कर सकती हूँ। वो इंसान ही क्या जो औरत की दौलत के सहारे जिए। आपकी इन्हीं बातों ने तो मुझे पागल बना रखा है। मुझे याद है आपने लिखा था रजनी देवी मुझे आपकी दौलत से नहीं आपसे प्यार है, और मेरी तस्वीर देखकर आपने लिखा था आप तो मेरी सपनों की बनाई हुई तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। हाँ? अच्छा भूल गए। अच्छा ये बताइए, जब आपने अपनी तस्वीर मुझे भेजी थी तो क्या लिखा था? मुझे सब याद है, लेकिन आज तुम्हारे मुंह से वो बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। सच दीपक बाबू? हाँ। दीपक बाबू, मैंने आपको तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत पाया है। लीजिए ना। जी। दीपक बाबू, आप नहीं जानते मैंने आपके बारे में क्या क्या सोच रखा है। मैं आपको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लेखक समझती हूँ। अरे हाँ, परसों हमारी महिला सभा का सालाना जलसा है। मैं दुनिया को बताऊंगी कि आप कितने बड़े लेखक और कवि हैं। आपको वहां आना ही होगा। आएंगे ना? जरूर आऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ चले? अभी तो मुझे आपको अपने डैडी से मिलवाना है। चलिए मेरे साथ। आपने ये तो पिया ही नहीं। छोड़िए इसे, चलिए। लेकिन वो बिल? बिल अंदर दे देंगे, चलिए ना। अरे ये क्या हो गया? अरे ओहो हो हो, कोई बात नहीं, साफ हो जाएगा। रजनी जी, इस हालत में मैं आपके डैडी से कैसे मिलने जा सकता हूँ? अच्छा नहीं लगेगा, मैं फिर किसी दिन आ जाता हूँ। अच्छा, मुझे भी जलसे के लिए इंतजाम करना है। चलिए चलिए। आप यहाँ क्यों आए हैं? प्यार का प्यासा नदिया के पास नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा? मुझे बेवकूफ मत समझी, जाइए उसी के पास जिसे मोहब्बत भरे खत लिखा करते थे। माला जी, माला जी देखिए, मैं एक लेखक हूँ, मेरे बहुत से चाहने वाले हैं जो मुझे खत लिखते हैं और मैं उनका जवाब देता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। अगर ये बात नहीं थी तो वो आपसे इस तरह की बात क्यों कर रही थी, और आप घबरा कर मुझसे बात किए बिना वहां से उसके साथ क्यों चले गए थे? ताकि उसकी गलत फहमी दूर कर सकूं। यकीन मानिए आज मैं उससे पहली दफे मिला हूं। खैर उसको छोड़िए, अफसोस तो इस बात का है कि आपने उसको तो यकीन कर लिया, लेकिन मेरी आत्मा को जो हर घड़ी हर पल आपको प्रेम पत्र लिखती रहती है, झूठ समझा। यही है आपका प्यार? ठीक है आपको मुझ पर भरोसा नहीं, लेकिन क्या आपको अपने प्यार पर भी विश्वास नहीं? माला जी, मैं कोई भिखारी नहीं जो अपनी मोहब्बत का प्याला लिए दर दर की भीख मांगता फिरूं। मैं तो वो पुजारी हूं जिसने अपनी जिंदगी के सारे फूल एक देवी पर निछावर कर दिए और हाथ खाली रह गए। अगर अब भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो मैं कसम खाता हूं अपना मनहूस चेहरा आपको जिंदगी भर नहीं दिखाऊंगा। सुनिए, दीपक बाबू,
प्यार के नाव में चलने वाले राही को शक की एक हल्की सी लहर भी तूफान मालूम होती है। डर लगता है कहीं उसके प्यार की नाव डूब ना जाए। मुझे माफ कर दीजिए। रामू से कहना कल पंडित जी को बुला कर लाए। क्यों माँ जी? अरे शादी का मुहूर्त निकलवाना है। शादी? लड़का मिल गया? हाँ। कहाँ है? अरे घर में है। लड़का मिल गया है? मिलने आते कोई खास बात? खास बात थी तो आया हूँ। तुम इधर सेहत बना रहे हो, उधर वो दूसरी लड़की ना रजनी, उसका 6 बार टेलीफोन आया था, पूछती थी है कहाँ, मैंने नहीं बताया। ठीक किया ना? कमाल डबलिंग मार रहे। अरे कितने चाहने वाले हैं तुम्हारे। अरे दूसरी लड़कियों को तो छोड़ो, ये इंस्पेक्टर कुमार है कुमार, वो भी तुम पर आशिक हो गए। कितनी देर तक तुम्हारे ड्रामे पढ़ते रहे, एक तो इतना चला गया कि अपने घर साथ ही ले गए। कभी तो मैं जाता हूँ, ये रजनी का टेलीफोन नंबर उसने दिया था। इंस्पेक्टर कुमार ड्रामे पढ़ता रहा, इसका मतलब रजनी के पास वो खत तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तुम्हें वो खत लेने ही होंगे। पहनो और भाइयों, दीपक साहब तशरीफ ले आए हैं, हमारी महिला सभा इनकी बड़ी आभारी है। वैसे तो दुनिया में लाखों लेखक हैं, कवि हैं, लेकिन कुछ कवि ऐसे भी होते हैं कि जिनकी कविताएं पढ़कर लोग उनकी इज्जत नहीं पूजा करने लगते हैं। दीपक साहब उन्हीं कवियों में से एक हैं। लिखते हैं, ऐ मोहब्बत मुझको वो दीपक बना, मैं जलू हो रोशनी संसार में, मंदिर और मस्जिद में ढूंढे सब खुदा, हमने वो पाया किसी के प्यार में। आगे सुनाइए, आगे सुनाइए। सब्र कीजिए, अगर मैं ही सब कुछ सुना दूंगी तो दीपक साहब क्या सुनाएंगे। घबराइए नहीं, आज ये अपनी सुंदर कविताओं से आपकी जन्म जन्म की प्यास बुझा देंगे। इससे पहले कि मैं दीपक साहब को आपके सामने पेश करूं, सभा की प्रधान मिसेस बाटली वाला इन्हें पुष्पहार प्रदान करेंगी। रंजीत, सुना तुमने? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। अगर इस सोने की चिड़िया से तुम्हारी शादी न हुई तो जिन लोगों ने इस शादी की उम्मीद पर तुम्हें कार बंगला रुपया उधार दिया है सीधा अंदर करा देंगे।
मैं दीपक साहब से दरखास्त करूंगी कि ये माइक पर तशरीफ ले आए। आइए ना, आइए ना। देखिए ये बहुत शर्मा रहे हैं, जरा जोर से ताली बजाइए। भाइयों और बहनों, मैं ना तो कवि हूं ना लेखक, मैं तो एक मामूली सा आदमी हूं, आप लोगों से कहीं छोटा। जिस दीपक की कविताएं आप पढ़ते रहे हैं, गुजरे हुए जमाने की तरह वो खत्म हो चुका है। प्यार ने इस नए दीपक को जन्म दिया है। मैं इसी दीपक की दिल की कुछ बातें आपके सामने पेश करता हूं। क्या जानो मैं हूं कौन, मारा हुआ जिंदगी का, मुझको तो महफिल में लाया है प्यार किसी का। क्या जानो मैं हूं कौन, मारा हुआ जिंदगी का, मुझको तो महफिल में लाया है प्यार किसी का। लग के गले से फिर भी मचल ना सकूं मैं, देखो ये मेरे बंधे हाथ, ये मेरे बंधे हाथ। कैसे मिलूं तुमसे, चाहूं तो मिल ना सकूं मैं, देखो ये मेरे बंधे हाथ, ये मेरे बंधे हाथ। मुरझाए गुल के पास जैसे बहार की बाहें, मेरे पास वैसे ही फैली है यार की बाहें। मुरझाए गुल के पास जैसे बहार की बाहें, मेरे पास वैसे ही फैली है यार की बाहें। थाम के इनको फिर भी संभल ना सकूं मैं, देखो ये मेरे बंधे हाथ, ये मेरे बंधे हाथ। कैसे मिलूं तुमसे, चाहूं तो मिल ना सकूं मैं, देखो ये मेरे बंधे हाथ, ये मेरे बंधे। प्यार का दिल है धड़के ना खुल के जो, वो बेकरार सा दिल है। सीने में दिल मेरा कहने को प्यार का दिल है, धड़के ना खुल के जो, वो बेकरार सा दिल है।
जलता हूँ लेकिन पहलू बदल ना सकूं मैं, देखो ये मेरे बंधे हाथ, ये मेरे बंधे हाथ। कैसे मिलूं तुमसे, चाहूं तो मिल ना सकूं मैं, देखो ये मेरे बंधे हाथ, ये मेरे बंधे हाथ। ऑटोग्राफ प्लीज। प्लीज अब रहने दीजिए, जल्दी जाना है। चलिए एक्सक्यूज मी, तो दीपक साहब आपको यहाँ किसी का प्यार खींच लाया हा? कभी आने में शक्ल देगी आपने? रंजीत, दो कोड़ी का शायर और प्यार की बातें करता है। आप कौन है? मैं इनका होने वाला पति हूँ, समझ आया? चलिए तशरीफ ले जाइए, चलो रजनी। छोड़ो मेरा हाथ, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि भले लोगों के साथ किस तरह बात करते हैं? और तुम्हें बहुत तमीज है जो ऐसे घटिया लोगों के साथ सबके सामने खुल्लम खुल्ला प्यार का नाटक करती हो। यू शराब, आज मैं अंकल को जाके सब कुछ बता दूं। चलो मेरे साथ। छोड़ो, तुम क्या बताओगे, मैं अभी जाकर डैडी से साफ साफ कहती हूँ, तुमने सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की है, मैं तुम्हें देख लूंगी, देख लूंगी तुम्हें। रजनी, श्यामू, 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 किसे बुला रहे हो बाबा? वो मेरा बेटा साहब, वो आ गया। अरे कहाँ गया था रे इतनी देर से? बलराम के 5 मिनट को भेजे तो काम तू सुबह कर देता। दीपक बाबू माफ करना, उस बदतमीज रंजीत ने आपकी बेइज्जती की, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, आज हमेशा के लिए फैसला हो गया। क्या? वही जो होना चाहिए था। रंजीत मेरे डैडी के एक रईस स्वर्गवासी दोस्त का लड़का है, डैडी मेरी शादी उससे करना चाहते थे, लेकिन आज मैंने डैडी से साफ साफ कह दिया कि मुझे रंजीत से सख्त नफरत है। मैं जिंदगी में शादी करूंगी तो आपसे, अपने प्यारे दीपक से, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि डैडी ने हमारी शादी के लिए हाँ कह दी है। क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। जिसे आप जैसी खूबसूरत पढ़ी लिखी समझदार लड़की मिले वो खुश नहीं होगा तो और क्या होगा? तुम कितने अच्छे हो। हाँ। रजनी, मैंने एक और बात सोची है। क्या? देखो रजनी, मैं ये सोच रहा हूं कि तुम्हारे और मेरे जो मोहब्बत भरे खत हैं उनके आधार पर मैं एक ऐसी प्रेम कहानी लिखूं
जो हमारे प्यार को अमर बना देगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम वो खत मुझे लाकर दे दो, जिससे कि मैं उन्हें अपने हाथों में। बिल्कुल नहीं, हम अपने प्यार की कहानी लोगों को क्यों बताएं? रजनी, इतनी खुदगर्ज मत बनो। देखो, तुम नहीं जानते इस दुनिया में कितने लोग प्यार के प्यासे हैं। हमारे प्यार की कामयाब कहानी पढ़कर उनके हौसले कितने बुलंद हो जाएंगे। सच? हाँ। तो ठीक है, मैं खत तो ला दूंगी, लेकिन एक वादा करो, आज के बाद तुम कभी उस स्टेज के नाचने वाले की सूरत भी नहीं देखोगे। कैसी बातें कर रहे हो रजनी, कहां तुम और कहां वो। तुम जैसी खानदानी लड़की का प्यार छोड़कर क्या मैं उस स्टेज की डांसर के पीछे भागूंगा? कभी नहीं। उसके साथ जो कुछ भी है वो तो एक नाटक है, नाटक। अच्छा, अब वो यहां तक भी आ पहुंची, आपके लिए तोहफे भी लाने लगी। इडियट, मुझे देखकर भाग गई। माला, सुनो माला, माला, सुनो माला, चले जाओ यहां से। मेरे सामने अब और ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत? मेरी बात तो सुनो। और क्या सुनना रह गया है? मैंने सब कुछ सुन लिया, सब कुछ देख लिया है। तुमने जो कुछ सुना, जो कुछ देखा वो ठीक था माला, लेकिन मेरी भी तो सुनो। तुम्हें जो कुछ कहना है कह लो, जी भर के कह लो, लेकिन भगवान के लिए मेरे प्यार पर। प्यार, प्यार का नाम अपनी गंदी जुबान से मत निकालो। तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? तुम तो सिर्फ नाटक जानते हो, नाटक। मैंने क्या क्या सोचा, क्या क्या सपने देखे थे, तुमने सब तोड़ दिए। प्यार के नाम पर ऐसा धोखा दिया है कि प्यार के नाम से भी नफरत हो गई है। चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। चले जाओ यहाँ से, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। हाँ, और जाते जाते ये अपने प्यार के नोटे के निशाने भी नहीं। छोड़ो मुझे ना। वो काली रात को अचानक तुम यहाँ थे, ना ही अंगूठे या भूलते, ना आज ये मनोज दिन आता। ले जाओ इसे। नहीं माला, नहीं, इसे मत फेंको। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करती हो, करनी भी चाहिए, लेकिन अगर जिंदगी में तुमने मुझे एक पल के लिए भी प्यार किया है तो आज तुम्हें उस पल की कसम है। इसे मत फेंको माला, इसे मत। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, अभी बता सकता हूं, लेकिन डरता हूं कि मैं तुम्हें कहीं खो न बैठूं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं माला कि मैं तुम्हें किसी कीमत पे खोना नहीं चाहता। माला, मैं तुमसे भीख मांगता हूं माला, मैं तुमसे भीख मांगता हूं माला, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, सिर्फ थोड़ा सा। अगर मैंने तुम्हारी गलतफहमी दूर न कर दी तो तुम इस अंगूठी को एक गिरे हुए इंसान का जलील प्यार समझकर धूल में फेंक देना। मैं यकीन दिलाता हूं माला, मैं फिर शिकवा करने कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा माला, कभी नहीं। हरनामदास के केस की फाइल निकालना। यस। एक अंगूठी नहीं मिली थी, हमें सेठ हरनामदास से मिलना होगा। आप वहां होते तो देखते कि आपकी बेटी एक मामूली आदमी के साथ क्या हरकतें कर रही थी। रंजीत, वो मामूली आदमी नहीं है, एक अच्छा कलाकार है। रजनी उसे पसंद करती है और रजनी की पसंद मेरी पसंद है। मैंने रजनी को उसके साथ शादी करने के लिए हां कह दी है। तुम जा सकते हो। अंकल, दुनिया जानती है, मेरे दोस्त, रिश्तेदार सब जानते हैं कि मेरी रजनी के साथ शादी हो रही है। मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? यह रजनी की बेइज्जती करने से पहले सोचा होता। मैं मजबूर हूं, तुम जा सकते हो। अंकल, ये अच्छा नहीं होगा। मुझे धमकी दे रहे हो? गेट आउट। सेठ जी,
नीचे तो इंस्पेक्टर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। इंस्पेक्टर? नमस्ते सर। नमस्ते। यस, तशरीफ रखिए। सेठ जी, हम आपसे ये मालूम करने आए थे, आपका चोरी का सारा माल मिल गया था, कोई चीज रह तो नहीं गई थी? एक अंगूठी अभी तक नहीं मिली। सेठ जी, अगर वो अंगूठी आपको दिखाई जाए तो आप उसे पहचान लेंगे ना? क्यों नहीं, वो तो हमारी खानदानी अंगूठी है। वेरी गुड। एक अर्ज और है, जब तक आपको वो अंगूठी मिल ना जाए आप इसका जिक्र किसी से न कीजिए, इसमें एक राज है। ऐसी? ऑलराइट। थैंक यू वेरी मच सेठ जी। अब आपको हम एक तकलीफ और देंगे कि आपको हमारे साथ रूप कला थिएटर में चलना पड़ेगा। आने वाला है रे कोई तूफान।
जी, ए जेंटलमैन, इधर जा रहे हैं आप? हिरण जी के दर्शन करने जी। हिरण जी के दर्शन करने? मैनेजर मैं, हाल हमारा लग रहा है, दर्शन आप करेंगे। स्टेज पर देखा नहीं उधर क्या वो बुर्का पहन के नाच रही थी? चलिए चलिए प्लीज। ओ मैनेजर जी, बात दरअसल ये है, स्टेज पे देखा है ना, तो इसीलिए ये फूल भेंट करने जा रहे हैं। फूल मुझे दे दीजिए, खुद भेंट हो जाइए। सुनो जी, आप समझदार आदमी लगते हैं, आपसे क्या छुपाना। ये जो हमारे सेठ जी है ना, ये करोड़पति हैं, इनको थिएटर का बड़ा शौक है, ये नया थिएटर शुरू करना चाहते हैं, इसीलिए हीरोइन से बात करनी है और फिर इनको एक मैनेजर की भी जरूरत है। मैनेजर की? हाँ। क्या तनख्वाह देंगे? 2000। 2000 महीने के? आहो, और अगर कोई आपकी तरह मैनेजर मिले तो उसको 2500 भी देंगे। बस बस। क्यों है? फिर बोलिए। 2500। आपका नाम क्या है? अकड़ सिंह। अकड़ सिंह, आपने तो मुझे अकड़ ही लिया। बस बस बस, गलती हो गई। नहीं जी, दाढ़ी को हाथ नहीं लगा दे। देखिए सेठ जी, इधर इधर, आपका मैनेजर का काम तो हो ही गया, और रही हिरण की बात, आप जरा इधर आइए। सरदार जी, आजकल लोगों को नए नए चेहरे बहुत पसंद है। ये हिरण, इसको तो लाखों लोगों ने देखा हुआ है और ऐसे भी बहुत ज्यादा लेती है। मैं आपको एक ऐसा पटाखा पिलाता हूँ जो स्टेज पर आएगी तो लोग फड़की खा जाएंगे। पैसे कम लेगी और आर्ट ज्यादा है। ठीक है ना? देखा सेठ जी, मैनेजर हो तो ऐसा, अभी काम शुरू नहीं हुआ है और नानू कंपनी का कितना ख्याल है। थैंक यू वेरी मच सरदार जी, आप इधर ही रहिए, मैं उसको लेके अभी आता हूँ। इधर ही। दादी एक बात कहूँ? कहो जी। आप बहुत हैंडसम लगते हैं। बहुत बहुत बहुत। अभी आया मैं। अच्छा जी, आइए से। कम इन। नमस्ते माला जी, माफ कीजिएगा, आपको बड़ी तकलीफ दी। बात दरअसल ये थी कि सेठ जी आपके दर्शन करना चाहते थे और ये आपको भेंट करना चाहते थे। क्या कलाकार हैं जी आप, वाह वाह वाह। क्यों सेठ जी, और क्या डांस में आपने दर्द भरा है, वाह वाह, असी तो कभी नहीं देखा जी इस तरह से। ये लीजिए जी। थैंक यू। सेठ जी देखिए कितनी चंगी मुंडी है, बड़े लोगों की बड़ी बातें, वाह वाह। वाकई बड़ी खूबसूरत अंगूठी है, बहुत कीमती होगी। अच्छा माला जी, साढ़ा तो काम हो गया। नमस्ते जी। नमस्ते। आप ठीक कहते हैं इंस्पेक्टर साहब, अंगूठी हमारी है, आपको यकीन है ना? बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब। सरदार जी, ये रही आपकी नई हीरोइन। देखिए इसका बदन, 36, 24, 36। इसकी आंखें देखिए, दिखा ना, और इसकी कमरिया भी देखिए। जब ये स्टेज पर चमकेगी ना तो फुहार आ जाएगा। अभी थोड़ा सा माफ है ना हुजूर, जरा आओ ना आप। आपको अंदर आने की किसने इजाजत दी? ये धारी और ये भी हिरण से इश्क लगाने आया है। हट चुप। ओए ओए, नहीं मैनेजर जी, ये तो साडा अपना मुंडा आएगा। अपना? हां, कंपनी का। कंपनी का एक्टर लगता है जी। हां, अलग थोड़ा बड़ा वक्त आया था। एनीवे देखिए, अब आप कुछ हम दोनों को एडवांस देकर बात बिल्कुल पक्की कर लीजिए। बात तो पक्की है मेरे स्वामी। तुम? हाँ मेरे देवता। हाँ, तुम कौन हो नहीं देवता कहने वाली? घरेलू मामला में दखल मत दो। मैंने दीपक को भी यहां से भागते देखा है। यहां से? जी हाँ। कहीं उसने हमारी बातें तो नहीं सुनी? उसके भागने से ऐसे लगता है। इसका मतलब यह है कि अब वो मिस माला से अंगूठी लेने की कोशिश करेगा। मिस माला पर कड़ी नजर रखो और उसके घर पर पहरा लगा दो। कहाँ गए? कहाँ ढूंढूं? Thank you.
दरवाजा खोलो। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? मेरे कमरे में कोई आदमी है। सब कमरे देखो, तुम ऊपर जाओ, बाहर नहीं आ पाए। आप घबराइए नहीं, अभी पकड़ा जाएगा, हम उसी की तलाश में आए। ऊपर कोई नहीं है साहब। कोई नहीं साहब, यही कहीं होगा, जाएगा कहां? आप दरवाजा बंद रखिए, हम बाहर ही खड़े हैं। आओ मेरे साथ। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? एक आवाज से मेरी आंख खुल गई, किसी आदमी ने मेरे मुंह पर कंबल फेंका और भाग गया। अच्छा, तुम मेरे कमरे में चलो। कविता, तुम भी नीचे आ जाओ। चलो बेटे, चलो। क्या हुआ? दीपक बाबू। ओ रजनी जी। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यूं ही जरा ऐसे ही। आप न घर में थे न थिएटर में, कहाँ छुपे रहते हैं आप? कहीं नहीं, बस। आप खत भी नहीं लेने आए? खत नहीं चाहिए क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। तो आइए मेरे साथ। ये तुम्हारा घर है? तो और किसका है? तुम्हारे पिता का नाम? सेठ हरनामदास। सेठ, सुनो सुनो रजनी, बात यह है कि आज मैं पहली दफा तुम्हारे डैडी से मिल रहा हूं, और ये हुलिया वो क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे। नहीं रजनी, तुम ऐसा करो, वो जो मेरे खत है ना, वो तुम यहीं ले आओ, कल मैं अच्छी तरह तैयार होकर तुम्हारे डैडी से मिलने आता हूँ। ये क्या, यहां तक आकर अंदर नहीं चलोगे? देखो रजनी, समझने की कोशिश करो, जिसके डैडी अपनी प्यारी बेटी का हाथ जिसके हाथ में देने वाले हों, वो कम से कम शरीफ आदमी तो लगे, चोर तो ना लगे। तुम भी अजीब हो। तुम कितनी समझदार हो। अच्छा देखो, मैं उस पेड़ के पास खड़ा हूं, तुम आ जाना। अंकल हरनामदास, तुमने मुझसे कहा था गेट आउट, आज तुम्हारी आंखों के सामने रजनी की शादी मुझसे होगी और तुम सारी जायदाद मेरे नाम करोगे, वरना ना तुम रहोगे और ना रजनी। डाल दो इसे। हम रजनी को लेके आते हैं। दीपक, तुम यहां भी? छोड़ दो इन्हें। छोड़ दो, छोड़ा लो। Thank you.
दीपक बेटे, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लोग कहते हैं माँ बाप हमेशा अपने औलाद की भलाई चाहते हैं। मेरी बेवकूफी देखो, तुम जैसे हीरे को छोड़कर मैं रणजीत जैसे घटिया आदमी को अपना बनाना चाहता था। तुम आज न होते तो जाने क्या कुछ हो जाता। चलो अंदर चलो, मैं आज ही तुम्हारी रणजीत की शादी तय करता हूं। चलो। हाँ, माफ कीजिएगा सेठ जी, मैं इस लायक नहीं हूं। क्या? जो बात मैं रजनी से नहीं कह सका वो मैं आपसे कह रहा हूं। मैं रजनी से शादी नहीं कर सकता। क्या मतलब? आप अंदर चलिए सेठ जी, मैं अभी आपको सब कुछ बताता हूं। नहीं नहीं बेटे, तुम्हें अभी बताना होगा कि रजनी ने कुछ कह दिया या मुझसे कुछ कसूर हुआ। नहीं सेठ जी, आप बहुत अच्छे हैं। ये तो किस्मत का खेल है। आपको शायद मालूम नहीं, एक दिन मैं आपके घर से चोरी छिपे कुछ ले गया था जिसने मेरी सारी जिंदगी बदल दी। और आज आप अपने हाथों से मुझे उससे कहीं ज्यादा दे रहे हैं और मैं उसे ले नहीं सकता। ये क्या पहेली है, तो मुझे साफ साफ बताओ। तुम्हें मेरी कसम। तो सुनिए, मैं रजनी से प्यार नहीं करता, मैं माला को चाहता हूं। माला? कौन माला? स्टेज की डांसर। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रजनी कहाँ है? आप अंदर चलिए सेठ जी, मैं रजनी को लेकर अभी आता हूं। दीपक, दीपक, ये क्या मजाक है? कब से मैं तुम्हारे खत लिए घूम रही हूं? ये क्या, कौन है आप? इंस्पेक्टर कुमार। आपने मेरे खत क्यों ले लिए? माफ कीजिएगा रजनी देवी, आप जिसे दीपक समझकर यह खत देना चाहती हैं, वो दीपक नहीं बल्कि पुलिस से भागा हुआ शामू चोर। क्या मतलब? रजनी, रजनी, देखिए, इंस्पेक्टर साहब दीपक को शामू चोर कह रहे हैं। शामू चोर? ये क्या कह रहे हैं आप? एक्सक्यूज मी सेठ, आप जिसे दीपक लेखक समझ रहे हैं, न वो दीपक है न लेखक बल्कि एक मशहूर चोर शामू है। असल में वो दीपक बनकर आपकी बेटी से शादी करना चाहता था ताकि आपकी सारी जायदाद हड़प कर जाए। लेकिन आप बड़े खुशकिस्मत हैं सेठ जी, ये खत जो उसके गुनाहों का सबूत है पहले ही मेरे हाथ लग चुके हैं। माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, आपको धोखा हुआ है। आपको मालूम नहीं कि अगर आज वो न होता तो वो शैतान रंजीत, जिसे मैं अपना दामाद बनाना चाहता था, मेरी जान और मेरी बेटी की इज्जत से खेल चुका होता। रही जायदाद की बात, उसने मुझे साफ साफ कह दिया है कि वो मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकता। आप उसे चोर कहते हैं, अगर वो चोर है तो मेरी दुआ है कि दुनिया का हर इंसान चोर बन जाए। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको अभी दीपक से मिलाता हूं। दीपक, दीपक, अब वो नहीं आएगा सेठ जी, शायद उसने मुझे रजनी देवी से यह खत लेते देख लिया। अब तो मुझे ही उसे ढूंढना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, माला देवी, आपको शायद अब तक मालूम हो गया होगा कि मैं दीपक नहीं श्यामू चोर हूं। मैंने आपको अब तक बहुत दुख दिया, अब और दुख नहीं दूंगा। मैं आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर जा रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपके हाथ में जो मेरे प्यार की निशानी है, वो अंगूठी नहीं, मेरे गुनाहों की आग है, कहीं उसमें आप न जल जाए। भगवान के लिए उसे फेंक दीजिए।
मैं दीपक। दीपक, दीपक तुम, अरे तुम तो ऐसे कूद के आए जैसे फुटबॉल का मैच हो रहा है, इस तरह चोरों की तरह आने की क्या जरूरत थी? प्रीतम मेरा एक काम करोगे? अरे जान, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, लेकिन तुम हो कहाँ? वो सब बाद में बताऊंगा। देखो ये चिट्ठी माला देवी को दे देना। माला देवी को? हाँ। मुझे पहले ही मालूम था तुम्हारा हशर उस गंजे की तरह होने वाला है। तो किस्सा सुना है, एक बूढ़े आदमी ने पहली बीवी होते हुए एक दूसरी जवान लड़की से शादी कर ली। जब वो जवान के पास जाता था ना, वो उसके सफेद बाल निकाल देती थी, और जब पहले वाली के पास जाता था वो काले निकाल देती थी। एक ही महीने में गंजा हो गया। डबलिंग मारने वाले का यही तीजा निकलता है। प्रीतम मजाक छोड़ो, इसी वक्त ये चिट्ठी माला देवी को पहुंच जानी चाहिए, और देखो किसी को पता ना चले। और बात तो कुछ बोलो। आप? हेलो मिस्टर प्रीतम। हेलो, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? कोई खास बात नहीं, इधर से गुजर रहा था, सोचा कि मैनेजर साहब से भी मिलता चलूं। अच्छा मकान है आपका, छोटा सा, गुड। आप यहां अकेले रहते हैं? जी अभी तक तो अकेला ही था, आपके आने से कुछ बढ़ गए। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। इंस्पेक्टर साहब बगैर पूछे आए, बगैर पूछे जा रहे हैं, कंपनी बाहर समझ के आए थे। ओ कुछ ज्यादा ही गड़बड़ लगती है। ये हैं असली दीपक के लिखे हुए खत, और ये शामू चोर के हाथ की लिखाई। पुलिस को धोखा देने के लिए उसने दीपक के सारे ड्रामे अपने हाथ से लिख लिए थे। मुबारक हो मिस्टर कुमार, अब क्या करना होगा? अब वो हर हालत में माला से अंगूठी लेने की कोशिश करेगा, इसलिए जहां जहां माला जाए उसका पीछा किया जाए। और आज माला का खास शो है, हो सकता है वो उससे मिलने वहां भी आए। अगर ना आया तो फिर चोरी का माल रखने के जुर्म में आज मिस माला को गिरफ्तार किया जाएगा। वो क्यों? इसलिए कि वो माला से बेहद मोहब्बत करता है, और उसे कानून से बचाने के लिए वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। से आखिरी बार मिलना चाहता हूं, दरवाजा खोलो। क्यों मुझे बार बार परेशान करते हो? भगवान के लिए चले जाओ यहां से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अब वो माला मर चुकी है वो माला। ठीक है, ये चिट्ठी मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं माला, इसे अभी गौर से पढ़ लो, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। और हां,
तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है उसे फौरन फेंक दो माला। बस यही इल्तिजा करने आया था। ए ब्रदर, इधर क्या करता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, जो भी आता सीधा हिरन के कमरे में घुसता है, मोहब्बत भरे खत लिखता है। तेल का बहुत हाल आ गया लगता है। तो हे चाह किया कभी नहीं धोखा दिया जी, नयन को जब मिला लिया जिया भीतर बसा लिया तो है अपनी बना लिया जी। सनम सनम तेरी कसम तेरी कसम। हो दिल तो लई गवा अब का होगा, दिल तो लई गवा अब का होगा, हो धोखा दई गवा अब का होगा रे, धोखा दई गवा अब का होगा रे, तोर वो
मेरी भी तो सुनते जाना, होता है काहे दीवाना, प्यारे आशिक संभल जाना यार। नागा तू गोरी के पीछे, कोई लगा तेरे पीछे, किसी गली निकल जाना यार। सनम सनम हे हे, तेरी कसम तेरी कसम, हो दिल तो लई गवा, अब का होगा, दिल तो लई गवा, अब का होगा, हे हे हे, धोखा दे गवा, अब का होगा रे, धोखा दे गवा, अब का होगा रे, मेरे को कहे पकड़ा तुम प्रेम भागो जाना ना पाए खड़ा मेरे साथ और जाओ जल्दी। ठहरी, आप नहीं जा सकती जब तक श्यामू गिरफ्तार ना हो जाए। श्यामू? कौन श्यामू? जिसकी चोरी की अंगूठी आपके हाथ में है। अंगूठी? मेरी अंगूठी? तुम्हें आपके कपड़े मिले? अरे ये तो वही कपड़े, कहां से मिले? यहां से मिले। चलो मेरे साथ। दीपक, देखो और कौन है इसके साथ। और कोई नहीं। वेरी गुड। हमें तबाह करने वाले ने अपनी मौत के लिए हमें ढूंढने की तकलीफ भी नहीं। रजनी का चाहने वाला। मैं रजनी को नहीं चाहता, छोड़ दो मुझे। डर गए? झूठ बोलकर अपनी जान बचाना चाहते हो? देख, मुझे रजनी से कोई लगाव नहीं है, चले तू मुझे। I see, छोड़ दो।
जाओ। सुनो, तो फिर उस दिन रजनी के बाप को क्यों बचाया था? देख रंजीत, मैं तेरे साथ झगड़ा नहीं करना चाहता। मैं सच कहता हूँ, मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मुझे जाने दे। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें जरूर जाने दूंगा। यहां से नहीं, इस दुनिया से। ये ऐसे नहीं जाने देगा। रंजीत, मैं दीपक नहीं हूं, श्यामू हूं, श्यामू। बेचारे का कितना खून निकल रहा है। कौन है ये? पता नहीं, इधर से आए। क्या पता नहीं, बहुत खून गया डॉक्टर। अरे ये तो हमारे दीपक बाबू है। बापू, बापू। श्यामू बेकसूर है, उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। असली दीपक के कुछ खत मेरे पास थे, उन्हें पाने के लिए ही वो मुझसे प्यार का नाटक करता रहा। उसे डर था कि कहीं राज खुल जाने पर वो तुम्हारा प्यार न खो बैठे।
उसे गलत मत समझो बहन। ये ठीक है बेटी, श्यामू देवता है। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम्हारे लिए उसने मेरी करोड़ों की जायदाद पर ठोकर मार दी। मैं तो ये देखने आया था कि कौन है वो देवी जिसके प्यार में इतनी ताकत है कि एक भटका हुआ इंसान फरिश्ता बन गया। और बेटी, आज तुम भी साबित कर दो कि अच्छाई के रास्ते पर चलने की ख्वाहिश रखने वाले के लिए प्यार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उसका पता लगाते हैं। एक्सक्यूज मी मिस माला, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या वो पकड़े गए? जी नहीं, वो तो पुलिस से भाग निकला, लेकिन चोरी की अंगूठी रखने के जुर्म में मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। क्या? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो अंगूठी मेरी थी और मैं अपना केस वापस लेता हूं। मैं फिर भी इन्हें गिरफ्तार करूंगा। फिर क्यों? इसलिए कि वो इनसे प्यार करता है और इन्हें बदनामी और बेइज्जती से बचाने के लिए वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। तो क्या आप समझते हैं मैं उन्हें गिरफ्तार करवाने में आपकी मदद करूंगी? हरगिज नहीं। आप समझने की कोशिश कीजिए माला देवी, अब अगर उसे कानून के हवाले न किया गया तो मुझे डर है कि वो जिंदगी की हर खुशी से निराश होकर हमेशा हमेशा के लिए गुनाहों के अंधेरे में खो जाएगा और शायद फिर कभी वापस ना आए। अगर आपको उससे जरा भी हमदर्दी है तो आपको यह कुर्बानी देनी ही होगी। मैं समझ गई, मैं उनके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। क्या हुआ? दीपक बाबू लाश भैया है, पता नहीं जिंदा है या मर गया। कहां है वो? शुक्रिया, अभी डॉक्टर आता है। दीपक बाबू वो तो अभी इधर ही था। हो गया। रुक जाओ दीपक, नहीं तो गोली मार दूंगा। आप उन्हें गोली मत मारिए। मैं कहां गोली मार रहा था, मैं तो उसे डरा रहा था, आपने उसे भगा दिया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें रोकती हूँ, मैं उन्हें रोकती हूँ। चलिए गंदा खून था, रंजीत की मेहरबानी से वो बह गया। इसे पहचाने तो, पहचाने तो। मुझे माफ कर दे शामू, मैं तुम्हें पहचान न सकी, मैं तुम्हें पहचान न सकी। तुमने मुझे माफ कर दिया माला। शामू।
इंस्पेक्टर साहब, अब आप मुझे 1000 साल की भी सजा देंगे तो मैं उसे हंसते हंसते सह लूंगा। सेठ जी, मेरे गुनाहों की जंजीर आपकी अमानत मेरे पास है, ये लीजिए। नहीं बेटे, इसकी हकदार वो है जिसके प्यार ने तुम्हारी सोई हुई इंसानियत को जगा दिया। आओ, शाबाश, पहना दो बेटी, पहना दो माला देवी को। लो बहन। मुबारक हो। इंस्पेक्टर साहब, मेरे ये बंधे हाथ आपके सामने हाजिर है, लगाइए हथकड़ी। नहीं शामू, जो हाथ मोहब्बत की हथकड़ी से बंधे हों उन्हें लोहे की हथकड़ी की जरूरत नहीं। फिक्र न करो, मैं कानून से इस बात की सिफारिश करूंगा कि वो तुम्हें कम से कम सजा दे, क्योंकि कानून का फर्ज सिर्फ मुजरिम को सजा देना ही नहीं बल्कि अच्छे रास्ते पर चलने वाले की मदद करना भी है। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर साहब, बहुत अच्छे आदमी मालूम होते हैं। आओ मेरे साथ। आओ डैडी।